आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे मुर्गे के स्पर्श के ऊपर, क्योंकि मुर्गी के ऊपर जैसे ही मुर्गा जंप करता है तो मुर्गी उसके नीचे निकल जाती है और वो सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं हो पाती। एक मुर्गे का हम स्पर्श कट करेंगे और आप लोग देखेंगे कि डीपली हम लोग किस तरीके से कट करें। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये सीजन इस वक्त क्रॉसिंग का नहीं है, ब्रीडिंग का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में हम लोगों ने लकी ड्रॉ किया और लकी ड्रॉ में माशाल्लाह से दो खुश नसीबों के नाम आए, जिसमें एक नाम जाहिरी तो एक लड़की का लग रहा है और लाशारी साहब जो थे मुनीर अहमद लाशारी साहब, उनसे मेरी कल ही बात हो गई थी और आज के लिए उन्होंने कहा कि वो आज हमारे पास आने वाले हैं और जैसे ही उनसे रब्ता होगा जब भी वो आएंगे इंशाल्लाह उनके साथ एक वीडियो शूट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वो सखर के निकले। हमारे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सखर और खैपुर में, तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। इंशाल्लाह वो आएंगे और अपनी चीज़ यहीं से लेके जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हो गया एक मामला, और दूसरा जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे मुर्गे के स्पर्श के ऊपर। जब मुर्गा क्रॉसिंग के लिए जाता है ना मुर्गी के पास, और उसके उसके स्पर्श बड़े हों तो वो मुर्गी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि मुर्गी के ऊपर जैसे मुर्गा जंप करता है तो मुर्गी उसके नीचे निकल जाती है और वो सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं हो पाती। फिर वो उसके स्पर्श मुर्गी को टच होते हैं और मुर्गी को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़ख्म हो जाता है और सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं हो पाती। इसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो इसके रिजल्ट ज़्यादातर ख़राब निकलते हैं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मेरी एक पहले भी वीडियो बन चुकी है जिसे मैंने स्पर्श कट करने सिखाए थे, और आज की वीडियो में उसी वीडियो का इंशाल्लाह आज दोबारा से रिव्यू करेंगे। एक मुर्गे का हम स्पर्श कट करेंगे और आप लोग देखेंगे कि डीपली हम लोग किस तरीके से कट कर रहे हैं। ये हमारा मुर्गा है जो कि बहुत ज़बरदस्त मेरा ब्रीडर है यहाँ का, और इसके स्पर्श तकरीबन माशाल्लाह से पूरे 2 इंच के हो चुके हैं, 2 इंच का इसका स्पर हो चुका है एक। तो ये जब भी जैसे क्रॉसिंग के लिए जाएगा तो मुर्गी इसके नीचे निकल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सीज़न इस वक्त क्रॉसिंग का नहीं है, ब्रीडिंग का नहीं है, बट ये है कि इसके स्पर्श इतने ज़्यादा बड़े हैं, अगर इसने एक दफ़ा उछलकर किसी चूजे को हल्का सा इसने टच करने की कोशिश की तो बच्चा फौरन मर जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्पर्श बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं दूसरे बर्ड्स के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है मुर्गा जब मुर्गी को पकड़ता है और मुर्गी निकल जाती है तो मुर्गा गुस्से में उसको खड़ मार देता है, ये आप लोगों को पता होगा सारे शौकीन को कि ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं, इसी वजह से इसके स्पर्श कट करने पड़ रहे हैं हमें। तो कट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो आपके पास एक आरी होनी चाहिए, अच्छी आरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसके अंदर मेन चीज़ है वो है इसका ब्लेड, ब्लेड आपने इंश्योर करना है, ब्लेड आपके पास नया होना चाहिए जो कि रवानी से और जल्दी से स्पर्श को कट कर दे। तो आज मैं इसका सबसे पहले ये ब्लेड रिमूव करूंगा और यहाँ पर नया ब्लेड इसमें मैं टच करूंगा। सबसे पहले ब्लेड निकालिए, नया ब्लेड यहाँ पर आप लगाइए, नया ब्लेड मैं लेकर आ गया था क्योंकि मुझे आज ये कार्रवाई करनी थी इनके साथ, और इसको सही तरीके से मैं पकड़ूंगा। अच्छा, ब्लेड लगाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ, ये उल्टा लगा हुआ है, फोकस कर सकते हैं तो ज़रा दिखाइएगा, इसके दताने दिखा सकते हो, इसके जो दांत हैं यहाँ पर, अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो ये दांत होते हैं ये एक तरफ होते हैं, इसके दांत इस तरफ हैं, मतलब ये दांत आपको अपनी तरफ रखने हैं जहाँ से आपको चलाना है, मतलब जहाँ से आप इसको कैरी करोगे, जहाँ से आप इसको पकड़ोगे, ये दताने आपकी तरफ होने चाहिए ताकि आप ईजीली इसको कट कर सको। तो ये दताने मैं अपनी तरफ रखूँगा और इसको मैं इस तरीके से इसमें फंसा कर और यहाँ पर लीव करके मैं इसको यहाँ पर टाइट कर दूँगा। दोस्तों ये बिल्कुल टाइट हो चुका है और नया ब्लेड इसके अंदर लग चुका है, असेंबल मैंने कर लिया है, अब सिर्फ इसको चलाना है। इसके लिए और अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें ना हो और किसी किस्म का भी इसके अंदर रिएक्शन वगैरह ना हो मुर्गे को, तो आप इतना इस तरह कर सकते हैं, कॉटन लेकर कॉटन में आपने लगानी है स्प्रेड, ये स्प्रेड तकरीबन शॉकिंग के पास मौजूद होगी क्योंकि जहाँ जो भी मुर्गे रखने वाले होते हैं हमें इसकी अशद ज़रूरत पड़ती रहती है अक्सर व बेशतर। तो आपने स्प्रिट से बनाकर यहाँ भी आपने स्प्रिट लगानी है दतानों पर, इसके दांतों पर, ठीक है, इससे ये होगा कि अगर इसके अंदर कोई भी जरासीम वगैरह हैं तो वो मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। अब हम मुर्गी की तरफ चलते हैं, ये हमारे हसन भाई हैं जो पिछली वीडियो में आपने देखे भी थे, कुरानदाजी में हमारी काफ़ी हेल्प की हसन भाई ने, उसके अलावा मेरे पूरे सेटअप की देखभाल भी यही करते हैं।
तो आज ये मुर्गे को पकड़ेंगे। लीफ कर्ल पकड़ने का तरीका भी आप देख लीजिए कि मुर्गे को बहुत टाइट पकड़ना होता है। ये आप तरीका देख लीजिए, इसकी जो ये गर्दन है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, कहीं फंसानी है आपने। तरीका आप देख लीजिए। हसन भाई अभी मुर्गे को पकड़ेंगे, पकड़ें इसको। ये तरीका है मुर्गा पकड़ने का। मुर्गा बहुत ज्यादा टाइट करके आपको पकड़ना है कि मुर्गा हिले नहीं। वो इस वजह से ताकि मुर्गा अगर हिलेगा तो आपका जो ब्लेड है वो कहीं इधर उधर कहीं लग सकता है। तो यहाँ पर आपने फोकस करना है, कितना काटना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप इसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं स्प्रेड अच्छे तरीके से, दोनों जगह पे लगा दें। खड़ आप देख लीजिए, तकरीबन इसकी 2 इंच की खड़ हो चुकी है। और खड़ काटने का तरीका यह है कि आप इसको हाफ से कट कर सकते हैं, ब्लड नहीं आएगा और कभी कभार आ भी जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं, हल्का सा आता है उसमें आप यहाँ पर फौरन स्प्रिट लगा सकते हैं। नेट खचें, अभी यहाँ पर आप रखें और एक अंगूठे से आप इसको सपोर्ट दें, यहाँ पर इस तरीके से रोकें ताकि ये आगे की तरफ ना जाए। और इसको यहाँ पर रख कर यहाँ पे आप इस तरीके से इसको रखें। तो ये आपने देखा खड़ कितनी आराम से कट हो गई है। अगर हल्का फुल्का ब्लड आ भी जाए तो इसका कोई इशू नहीं है, ब्लड फौरन बंद हो जाएगा इसका। खड़ का जो कोना होता है वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम होती है, तो इतना ज्यादा इशू होगा नहीं उसका। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि हल्का सा ब्लड आ चुका है। अब दोस्तों एक हम स्पर्श काट चुके हैं, अभी दूसरे स्पर्श के लिए मुझे यहाँ से उल्टा हाथ पड़ रहा है, तो मैं यहाँ खड़े होकर, हसन भाई यहीं बैठेंगे, यही पोजीशन रहेगी, मैं वहाँ खड़े होकर इस खड़ को कट कर दूंगा। कट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, माप करके अंगूठा रखे रहना यहाँ पर ताकि ज़्यादा ना कट सके। इसके अलावा अगर इनकेस ब्लीडिंग आ जाती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए बेस्ट तरीका जो मीठा तेल होता है जिसको सरसों का तेल भी कहा जाता है, वो आप कॉटन में भिगो के और रख दें, खून बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्पर्श काटता हूँ यहाँ खड़े होकर, यहाँ फोकस रखना, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इतने से अभी यहाँ पर हमने एक पोजीशन बना ली है, अंगूठा मैंने रख लिया यहाँ पर। जितनी स्पीड से हम लोग काट देंगे बी करे दिखा रहे हैं हमें, इधरते भी जाए भी जाए। अब इसको फोकस करो यहाँ पे सर, अब यहाँ से आप देखिए कि ये खड़ मेरे हाथ में है, ये टुकड़ा मैंने कितना ज़्यादा टुकड़ा काट लिया, ये देखिए कि तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा का ये टुकड़ा है जो मैंने अभी कट किया है, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए ब्लड थोड़ा सा भी नहीं आया और ये कट हो गई है, इस वाले में थोड़ा सा आया। अब इसकी वजह आप कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आहिस्ता मुझसे ब्लेड चला होगा, थोड़ा रवानी से नहीं चला होगा, जिसकी वजह से हल्की सी ब्लीडिंग आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हल्की सी भी नहीं आई। मतलब ये है कि क्योंकि ये थोड़ा सा बेजान हो जाता है आगे से, इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये आगे से अगर हम इसकी केयर नहीं करते तो ये थोड़ा बेजान टाइप का हो जाता है। तो दोस्तों यकीनन आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमें स्पर्श कट कटने, बेसिकली अब यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से हमें इस तरह की वीडियोस लगाने की अलाउ नहीं है, बट ये है कि ये एक टीचिंग देना हमें बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसी गलती होगी तो आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इसी वजह से आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो लगाना बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी काम की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।